मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चल दाए यजदानी शहीद मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चल दाए रबेशराली सगरी वयसरी अमरी मानोपदातम निलसानी यफको कौली स्वान कलाय मलना इल्लमा रमदना इन्ना कांतल अलीमुल हकीम स्नान कला इल्मलना इल्लमा अल्लमतना इन्ना कांतल अलीमुल हकीम शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अकीमु सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برادر علیہ السلام وحدہ لا شریک دی عظمت اور تعریف تو بعد फखरे अंबिया ताजदार अंबिया खतीब अंबिया खातम अंबिया मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जात ग्रामी उते उस मालिक उल मुल्क की तरफों ला तदाद अनगिनत रहमतां नाज़िल हों और साडी तरफों भेजा होया दरूद व सलाम अल्लाह कबूल फरमाए आज के इस खुतबे के अंदर मैं नमाज की अहमियत बयान करांगा अल्लाह की दिती हुई तौफीक का दुआ करना कि अल्लाह वहदहू ला शरीक सानू पक्के और सच्चे नमाजी बना दे ऐसी नमाज जो मुकर्रबीन की नमाज है अव्वबीन की नमाज है मुत्तकीन की नमाज है अंबिया की नमाज सहाबा की नमाज अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ दी तौफीक अता फरमा जैसी हज़रत ख़ुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तलवारा के साए थले नमाज पढ़ी ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमा जैसी नमाज फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेराज मस्जिद नबवी च अदा की और खून चल रहा बच्चों खून निकल रहा कमजोरी से कमजोरी आ गई लेकिन मैं कुर्बान जा उस खतीब दे थे इमाम दे जिसने एक साथी को इशारा दे के अब्दुर्रहमान बिन औफ नो ते कह दिता कि जल्दी कर हुण मैं मसले से खड़ा नहीं हो सकता आज सलारे इस्लाम आज जनैले इस्लाम दी शहादत लम्हात आ गए मसले से खड़ा हो और नमाज पढ़ा मैं कुर्बान जा उस इमाम दे भी जरा अपने अमीर नो तरदे आला देख के भी उस मालिक के हुक्म नो पिछा नहीं छुट सकया अमीर उल मोमिनीन मसले को तड़प रहे ने और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मसले से खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे नमाज जिसने पढ़नी है उधर देखो नमाज जिसने पढ़नी है कमली वाले तो रात तारीखियों देखो दिन दे उजाले देखो अगर ऐसा सदीका फरमा दिया नहीं कि मेरे कमली वाले एक एक रकत छे छे पारे कुरान से पढ़ जाते नमाज पढ़नी है तो उधरों देख नमाज पढ़नी है
ते शहीद करबला बनो गए नमाज पढ़नी है तो जैनुल आबिदीन बनो गए मस्जिद में आग लग गई लोग आग बुझा रहे हजरत जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु इतनी शगफ नाल इतनी मोहब्बत नाल इतनी इस्तेहरात नाल इतनी तवज्जो नाल नमाज पढ़ा रहे ने लोगों के शोर का पता ही नहीं चलिया लोग की कर रहे ने लोगों का शोर उठ गया मस्जिद में आग लग गई बुझा रहे ने जलरे अग खत्म हो गई इमाम ने जो सलाम फेरिया लोगों ने सवाल किया हजरत तो असी तो अग बुझा रहे सो तुम बड़े इस्तेगराक बह के बड़ी माफियत नमाज अदा कर रहे सो तो फरमाया मैनू तुहाडी कोई शोर का पता नहीं तुहाडी आवाज का कोई पता नहीं अगर तुम दुनिया की अग बुझा रहे सो तो मैं जहन्नम की अग न खत्म कर रहा असला तो मैं राज नहीं नमाज मुसलमान भी मेराज जिस बंदे ने अल्लाह नाल कुरब हासिल करना है वह नमाज पढ़े उसकी नमाज पढ़ ले उसकी नफरी नमाज तहज्जुद की नमाज इशराक की नमाज और तो चार रकातां पढ़े इशराक दियां ते कमली वाले फरमान जब सलाम फेरे तो अल्लाह रोक तहज्जुद ना तेल छका दे भैया तेरे गुनाहों की तकदीर हो जाए तू रब के करीब हो जाए अल्लाह सब यह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिस पर तू राजी हो जाए असला तो मेराज मोमिनीन फरमाया नमाज मुसलमान की मेराज है यानी अल्लाह के दरबार में कुरब हासिल करना एक आला समझो एक जरिया समझो कुरब कोई रह गया जरा रात या तारीखी या नमाजा पड़ गए दिन की पंज वक्त फर्जी नमाज में अदा कर गए और अल्लाह ने बड़े प्यार अल्लाह ने तो राजी क्यामत वाले दिन यह दलील बन के नमाज आएगी क्यामत वाले दिन नमाज एक नूर बन के इंसान के सामने आ जाएगी और उन्होंने अगे तो पिछे नूर चलता रहा होगा और चलेगा इंशाअल्लाह क्यामत वाले दिन सज्जे पासे भी और सीने के सामने भी फरमाया सज्जे पासे इंसान से जरा नूर हो ऐसा नूर हम उन्होंने सामने भी नूर उन्होंने सज्जे भी नूर होगा और जरा सज्जे पासे नूर है तो तेरी सदाकत का नूर तेरी अमानत का नूर तेरे अमान का नूर तेरी तहज्जुद का नूर तेरी शराब का नूर तेरी नमाज का नूर तेरे सजदे का नूर तेरे क्याम का नूर और तेरे इस्तेगराक का नूर और जरा तू रोजा रखा उसका नूर तेरी तराबी का नूर कुरान की तलावत का नूर तेरे सदकात का नूर तेरे जहाद का नूर तेरे हक के उमरे का नूर होगा इन्हें समझ लै तेरे वास्ते मुख्तसर कर देना आसान कर देना अल्लाह को दुआ भी करना पहले दुआ कर लीए फिर तेन दसना अल्लाह को दुआ करिए कि अरे बा अरे क्यामत वाले दिन सानू रोशनी अता फरमा जी तू मोमन अता फरमा नूर हम यसा बैना ऐ की वे ऐ मां ये सब नूर तेरे अमाल का केड़ा जेड़ा तेरे सजे पासे चले तेरे अमाल का नूर और मैं कुरबान जा रब की रहमत मोमिन अल्लाह तो ही नूर अता फरमाया सजे पासे जितना भी नूर होगा क्यामत वाले दिन ते मोमिन चलेगा उस रोशनी के अंदर मेरे दोस्तों वो अमाल का नूर होगा जरा सीने के सामने नूर होगा और रब की तौहीद का नूर होगा तो अकीदे का नूर होगा अल्लाह अकीदे का नूर अता फरमाया ये अमाल जितने भी हो बेशक हो लेकिन इन्हों का नूर से रोशनी मर सकती जब तक अल्लाह के बंदे का रब की जात ना कुलक्षण ना हो जाए रबता ना हो जाए असला तो मेरा जुल्मों में नहीं क्यों आख्या मेरे कमली वाले ने जब इंसान नमाज पढ़ता है उस आदत से मसूद का रबता हो जाता है आदत से मतलब का रबता हो जाता है तालब से मतलूब का रबता हो जाता है मेरे दोस्तों उसने इंसान दुनिया को हट के जब तकबीर तहरीमा कहता है अल्लाह अकबर सारी दुनिया को पूछे छड़ के इन्नी वजह तो वजी जा लीला जी फतर समाफात वालर फिर एक हो के खड़ा हो जाता है ही तवज्जो होती है दुद्ध ही ध्यान होंगे तो फरमाया इंसान के ना जिंदा दिल करे जिसने नमाज पढ़ता है तो दिल यह करे कि रब न गल्ला करा तो इंशाला कमली वाले ने फरमाया वो गल्ला करे ही करे रब न कि जिसने रब से बंदा उस नमाज पर खड़ा हों तो मसल कहना ना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बंदा गल कर रहा है इन्नहू युनादी रब्बा बुखारी के अल्फाज उसने इंसान अपने रब नाल गल कर रहा हुंदा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
अल्लाह फरमा मेरे हामिदा ने अबदी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन मज्जद अली अबदी, अल्लाह फरमा ने मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की थी। या कना बुदवी या कना ताई, अल्लाह फरमा दे लाका वली मेरी तेरी साझी कदम में तू आबद बन गया, मैं मबूद समझ गया, तू साबद बन मैं मसूद बना, तू आबद बन मैं मबूद बना, तू मेरे को मंग मैं तेन अता करा। या कना बुदवी या कना ताई, एक न सेरा तब मुस्ताकी شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। रब फरमा दे मेरे बंदिया मेरिया तरीफा तू की दिया, ए मेरे बंदिया तू मेरिया बुजुर्गियां बयान की दिया, मेरिया तरीफा बयान की दिया नी, मेरिया शाना बयान की दिया नी, मेरिया बड़ाइया बयान की दिया नी, मेरी रिफत बयान की दिया, मेरी तो ही बयान की दिया। देखना जब अल्लाह फरमा मेरे जो तू मंगिया मैं तेनों अता कर दिता, रब की रजा हो गई। क्योंकि नमाज ऐसी चीज है, इनके अंदर नियाज भी आ गई, इनके अंदर फरियाद भी आ गई, इनके अंदर दुआ भी आ गई, इनके विच दुआ भी आ गई, रब की सना भी आ गई। जो कुल्लो वल्ला पढ़े वो तो ही दा खजाना तेरे सामने आ गया। कुल्लो वल्ला कहना है अल्लाह फरमांदे ने, कुल्लो वल्ला हो आहत अल्लाह हो समद लमिया लिद वलमियूलद वलमिया कुल्लो कुफुवन आहत। जरा बंदा इतनी शान इस कुल्लो वल्ला पढ़न दी, सूरह इखलास तो पढ़न दी, जरा एक बारी पढ़ता है रब फरमांदे ने जा तेनों दसां पारे कुरान दा सुहाब दे छड़िया। जरा दो मरतबा पढ़ना है भी पारे का सुहाब हो गया। जरा तीन बारी पढ़ना है रब फरमांदे ने पढ़ना तेरा कम, पूरे कुरान का सुहाब दे देना मेरा कम। अल्लाह पढ़ी तो ही कता पढ़ना है, ये तो ही का खजाना समझ लै, तो ही का दरिया समझ लै, ये तो ही मेरे दोस्तों रब की रजा का सर्टिफिकेट समझ लै। नमाज की अत्तहियात भी आता है, अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, ये सारा तो तक पढ़ के देख लै। इस तरह मेरे दोस्तों ये भी समझ लै, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, आप तो जाके पढ़ेगा। मेरी समझ में अपने रब के सामने हलफनामा दे रहा कि रब्बा तेरी तो ईद मन ली, मोहम्मद मुस्तफा दी रसालत नु मन लिया, तेरे तो बगैर मेरा मुश्किल कुशा को नहीं, मोहम्मद मुस्तफा तो बगैर मेरा बैनमा कोई नहीं। ये तो हलफनामा दे रहा अपने रब, हलम शरीफ पढ़िया तो ईद का खजाना तो रब के सामने पेश कर रहा है। इतराब करना रब दिया रामता दे दिया, तरीफा बयान कर करके हम दिया रिफता ते सनामा ते हमदा बयान करना पिया। अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। न मस्जिद में न मंदिर में न बैतुल्ला की दीवारों के साया में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साया में। इयो दी नमाज पढ़ के रब फरमाए मेरा बंदा जो मंगदा मैं उन्होंने अता कर छड़िया। यह जी नमाज ना पढ़ हजूर अकला तो सलाम फरमा मेरे उदीकता रहा बंदा, इंतजार करता रहा है। फिर देर हो गई, असर दी नमाज की गल आई है, सूरज ग्रोह आने के करीब तुर गया, उसकी सर्दी च सूरज पै गया, बिल्कुल कमजोर हो गया। रूप आफ्ताब जी को आती है, वो वक्त बिल्कुल करीब हो गया, उस वेले उठता है, उठता है ना कर अरबा अन्न, हदीसे पाक भी कहता इतनी तेज नमाज पढ़ता है कि चार ठूंगे लगा देता है। रब फरमा देने इस बंदे की नमाज की मैनू जरूरत नहीं, एक बलिश्त भी इनकी नमाज कंध्या उत्ते नहीं जाती। रब दे नाराज हो गया, फरमा भाई मुसल्ली अल्लाह दी ना हो हम सलाते साहो। तवज्जो कर, एक तो होने ना जेडे बेनसीब आते हैं, एक होने जे आके भी खाली टुर गए। अल्लाह फरमा दे फाई वायल एक जहन्नम में तो बाकी
अल्लाह बचाए, हर किस्म की खराबी तो वाती तो अल्लाह महफूज रखे, जहन्नम तो रब दूर कर ले, अल्लाह जन्नत का हकदार बना दे, अपनी तौहीद की तालीम अता फरमा, कमरी वाले भी ताबेदारी नसीब फरमा। इस तो बगैर निजात नहीं हो सकती, अकीदे तो बगैर निजात नहीं हो सकती। अल्लाह पाक फरमा ने मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करके दसो फ़ज़ीलन लिल्मुसल्लीन, जेडे नमाजी ने उन्हां दी बर्बादी क्यों, नमाज वक्त राजी नहीं पड़ी, नमाज अल्लाह ने वक्त से मुकर की थी, इन्हें सलात अकामत फरमाया, अल्लाह ने फरीदा बनाया, अल्लाह ने इन्हें मुकर किया, तरल वह महीना किताब होता, इन्हें एक वक्त दिता है, वक्त मुकर्र किया है, इस वे आप पढ़ना ही, इस वे आप पढ़नी आ, पंजे नमाजा के टाइम अल्लाह के प्यारे रसूल ने दसे भी ने ते अमलन भी करके दिखा सके, साहबा भी किए हदीस, अज भी कल भी क्यामत तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वासना जिंदा रहेगा। और मेरे दोस्तों मुसलमान से मोमिन इतने रहनुमाई हासिल करता रहेगा। इस वास्ते दोस्तों नमाज उदो पढ़ अव्वल वक्त पे पढ़ जब रब के रसूल ने पढ़ी, उदो पढ़ जब हुक्म दिता उदो पढ़, नमाज की तखीर अल्लाह ने पसंद नहीं, जो आते ने वे की नमाज तक वे दिया तकरा, ये बिल्कुल सही है, ना अल्लाह कबूल करे, ना रसूल कबूल करे, ना कुरान ने बयान करे, और तेरी तखीर को ना हदीस बयान करे, जब सिफत हुई है पहली वक्त की हुई है, अवलीयत की हुई है कि टाइम उधर हो गया, यदि अजान हुई तो मोमन तड़प जाता है, मोमन दौड़ के खुदा के घर में आ जाता है, फरमाया मोमन की नमाज का जो टाइम हो जाए उस कबर आ जाता है, दौड़ के मस्जिद वाल आ जाता है, कोई रोके तो रोक नहीं सकता, कोई तजारत दुनिया की उन्होंने रोक नहीं सकती, अरे जा लो ला तो नहीं तजारत मला बिक्र जब नमाज का टाइम हो जाए, नमाजी ने कोई रास्ते च रोके, जुमा पढ़न वास्ते आ रहा है, जुमे से कोई रोक रहा है, उनके हाथ जा पिछे शैतान की शक्ल चंगी आ गया है, इंसानी शक्ल शैतान आ गया है, ये मैंने रोकना चाहता है, दोस्तों मोमिन कभी रोक नहीं सकता, ते तेरी शहादत कुरान दे तेरी इस हरकत इस कौशल की तस्दीक अर्श वाला करता गया, रिजालों ला तुलियों तिजारतों वला बियों आनंद मेरे वो बंदे ने, मेरे वो बंदे ने जिन्हों की नमाज का टाइम आ जाए, मेरे हुक्म की अदायगी का टाइम आ जाए तो फिर भी रुकते नहीं, अल्लाह फरमाते नहीं वो रुक नहीं सकते, कोई दुनिया की तजारत कोई दुनिया का सौदा कोई बाजार कोई रौनक कोई मशगूलात जोड़े ने सारियों को तुरंत करके जब रब का बंदा असला तो मेरा मोमिनीन समझ गए, असला तो इमाद उमाद दीन समझ गए, जब बंदा खुदा के दरबार में जागर होता है तो इशारा मेरे दो तो हाथ का करके आंदा है अल्लाह अकबर अल्लाह, मैं सारी दुनिया में मशगूलात मसरूफियात पीछे सुख छी अल्लाह अकबर अपने सफते रब के सामने तबिया हो गया, अल्लाह यही आदत यही कोशिश यही मेहनत कर दी तो ही कदा करना, नमाज वक्त ना नमाज वक्त नाज पढ़नी है, अल्लाह के नबी फरमान ने की बेनसीब बंदे देखो जिन्हें कभी पढ़ी नहीं, फरमाया बही ना लभ दे बहे ना लको तर को सलात, जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ना वो मोमिन नहीं वो ईमानदार नहीं, नमाज पढ़नी आ मोमिन अखवा मोमिन उदो पढ़ेगा जदो नमाज में उस तरीके ना पढ़ेगा, पर मैं सलू कमारे तो मोमी ही सली असी कहो जी नमाज पढ़ी है, कबरी वाले प्रबंध ने जो जहां मैनू वेख दिए पढ़द्या वह जी नमाज पढ़ते जाओ, मेरे सोने पैंबर ने नमाज पढ़ी है दिखा के साहबा पढ़ी है नमूना बन के मेरे पैगंबर सामने आ गए, पर मैं सलू कमारे तो मोमी ही सली तो बच्चों ना नमाज पढ़ कपड़ियां इधर उधर ना कर अपने वाला बिखरिया कभी उदा कर कभी थले कर कभी ओ हरकत कर कभी इधो खारिश कर कभी इधो खारिश कर ला नहीं, फरमाया जब मोमिन नमाज पढ़ता है तो इस तरह हो जाता है जिवें एक सुकून की शक्ल बन जाती, नमाज का कदर
नमाज की कीमत उन्होंने सही जिन्हें मोहम्मद रसूल सलम नमाज पढ़ गया। सरकार तैबा सल्ला सफर तो वापस आ गया, रास्ते के अंदर पड़ाव लगाया, सुनत वजो ना सरकार ने फरमाया तो पहरेदार रहा था, पहरेदारी वा कौन फरीज अदा करेगा। हजूर भी सौ गए, सहाबा भी सौ गए, मेरे कमरी वाले के सामने दो सहाबी आ गए, कह लगे सोने इजाजत दे दो असी पहरेदारी का फरीजा अदा करा। एक अंसारिया भी क्यों आया, एक महाजरा भी क्यों आया, मैं कुरबान जा रब ने अंसारिया से भी रहमदा की, अंसारा से भी रहमदा की, गर्वी का मेरे कमली वाले तौहीद मनन वाले दीवाने तौहीद के मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम आ गए। जनाब ने फरमा ठीक है पहरा तुसी दियो, कभी बिलाल की वारी कभी दूसरों की वारी, आज इन्हों की याद ये दो सहाबी अगे आए। कमली वाले फरमा जाप दे देखिया सदी के अकबर भी सौ गए, मेरे फरूक भी सौ गए, अली मुर्तजा भी सौ गए, बिलाल भी सौ गया, और सहाबा भी सौ गए, अगर खालिद भी सौ गए, मेरे दोस्तों सहाबा की जमात सौ गई है। मेरे दोस्तों आ देखो आमना बिलाल मुफखरे मौजूदा रहमत आलम वालमियान तिम दौरे जमा सैयद साकल शफीउल मुज़नबीन रहमत लिल आलमीन भी सौ गए। ते याद रखी जिंदे ते नींद आ जाए वो मुश्किल खुशा नहीं बन सकता, और जिन्हू नींद आ जाए जिंदे ते मौत आ जाए वो मुश्किल खुशा नहीं बन सकता। अली सौ गया मुश्किल खुशा नहीं बन सकता, आमना दे नाल सौ गए मुश्किल खुशा नहीं बन सकते, मौत भी सारे ते आ गए। इन्ना क मई तो इन्ना मई तू तवज्जो कर मेरे दोस्तों सौ गए नहीं कि नहीं, सहाबा की जमात सुती पई है और कमरी वाले भी सौ गए। मुश्किल पुशा कौन है जिंदे ते नींद ना हो, मुश्किल पुशा ओ दाता ओ हो सकता है, और बनिया में सवारन वाला ओ हो सकता है, कारसाज ओ हो सकता है, मुश्किल पुशा ओ हो सकता है, आटा पूरी करन वाला ओ हो सकता है, बेटे देन वाला बेटियां देन वाला ओ हो सकता है, उनाब देन वाला ओ हो सकता है, रिजक देन वाला ओ हो सकता है। मेरे दोस्तों इज्जत देन वाला भी हो और जिल देन वाला भी हो, जिन्हों चाहे उच्चा कर ले, जिन्हों चाहे नीमा करे, जिना कुमरा है उन्होंने हदायत उन्हें तो बगैर को नहीं दे सकता, जो हदायत वाले उन्होंने गुमराह की नीयत को नहीं कर। नहीं युद्ध लीला फलाफा भी है ना समझ तो नींद आ जाए वो मुश्किल पुशा, एक कुरान के हदीस ने खुल के बयान कर सके धोखे से दुनिया पै गई, सुत्या उठते नहीं तो मुश्किल पुशा है, जाग आई नहीं तो सा मुश्किल पुशा है, जब दिल च इजराइल आवे तो लैके तुर जाए कोई इख्तियार नहीं, इन अपनी जात का भी इख्तियार नहीं, इन अपनी अपनी मौत से जिंदगी का भी इख्तियार नहीं, वो किंदा है वो किंदा इख्तियार है। अल्लाह फरमाने ने खाला कल मौत वल हयात लियबलो वकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये तो मैं बढ़ाने वाला, मौत मैं देने वाला, नींद मैं मुसल्लत करने वाला, मौत के फैसले मैं करने वाला, जिंदगी मेरी हुक्म नाल मिलती है, मौत मेरे हुक्म नाल चलती है। आओ कुरान पढ़ना अपनी मर्जी नाल नहीं कहता, आओ अपने दाते की पहचान कर लो, अपने रब की पहचान कर लो, अपने अकीदा दुरुस्त कर लो, सारी जिंदगी तमाम इबादत करते रहो, हर किस्म दबादत पर रब की कसम है जिंदे च शिरक आ गया, जरा रब को अगे पिछे अल्लाह की जात को हाथ उठा के दुआ करता है, कभी पत्थर से कर कभी बुत से करना है, कभी कमर से करना है, कभी पीपल से, कभी मिल जाओ तो किकर के दरख्त उत्ते सजदे करना पड़ता है, ये कभी धुप से सजदे, कभी साए से सजदे, कभी दरिया दी नहर से सजदे, कभी अग से सजदा, कभी पारसी मजहब की तरह कपड़े से सजदा, नजूमे बन के और सितारों को सजदा, शमसी बन के सूरज को सजदा। मेरे दोस्तों जरा करना है अल्लाह फरमा मेरे वस्तु लिल्लाहि लजी खालक लोगों उस रब अगे सजदा करो, उस रब अगे रुकू से सजदा करो, उस रब अगे झुको जिस जात ने इन्हों पैदा किया, इसके खालक अगे झुको, किधर झुकते हो गैर अगे, उस बहरहाल मसला देने बिठा लिया अल्लाह तेरों से मैंने रोशनी अदा करो। हाँ यार रोशनी क्या मता दू,
ਇਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਯਸਾ ਨੂਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੀ ਮਾਪੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਵੀ ਨੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਦੋਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਅਮਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਦੇ क्योंकि सजे पासे सब तेरे अमाल का नूर से रोशनी होगी क्यामत वाले दिन सीने के सामने जी रोशनी होगी और रब दे तौहीद का नूर होगा जो चल रहा होगा मुसलमान दिया मेरे तौर पर मेरे पास मैं हर बंदा का प्यार रब पाप के सामने सजदा करवा वस्तु इलाजी पता तो हो सजदा उन्होंने करो मुश्किल कुशा उन्होंने मनो जो जमीन का पालक है जो आसमान का पालक है और जो कायनात का पालक है जरात का पालक है जो सजर का पालक है लहनो नहार का पालक है जिनों बचर का पालक है अजरों सजर का पालक है और सारी दुनिया से कायनात का वो रब है तू ना करेगा तू ना चुके तो अल्लाह फरमा मेरे तू ना चुके ए बनिया तुम सारे नाम मैं तेरे पे कर सके मैं पर तू मुनकर सारी मखलूकात को ज्यादा बन गया अल्लाह फरमा मेरे तू ना चुक तेरी मर्जी तेरिया बेनसीबियां तेरे गल विच बह गईयां आ सो मेरी जात नु इन्नी भुला सुनी कोई मेरी तस्दीक करे मेरी मेरा तकद्दस बयान करे कोई मेरी तामीद बयान करे और कोई मेरी तस्दीक बयान करे कोई मेरी तकदीर पढ़े मेरी रबूबियत दे अंदर एक जर्रा भी किसे किस्म दा अज़ाबा नहीं आंदा अगर सारी दुनिया मुनकर हो जाए रब फरमा दे ते मेरी रबूबियत दा बिगड़ कुछ नहीं सकदा आ तू मुनकर बन ते नमाज ना कर ते सजदा ना कर लड़ाई पर ते ध्यान मार ये सब लिल्लाह मा फि समावात वल अर्ज लहु वल अज़ीज़ुल हकीम इधर वे पहाड़ भी अल्लाह ने सजदे और सजदे कर रहे नहीं आसमान भी सजदा कर रहे फरमाया हर रोज सूरज जड़ा हर रोज सूरज जड़ा गुलूब होंदा ते अल्लाह दे अर्श दे थल्ले जा के सजदा करदा है रब को पुछदा रब्बा अज मैं किधरों तलू होना है हर रोज रब को इजाजत देंदा है रब फरमाते नहीं ओही तेरा मतला ओही तेरा मसरक भी तू जाके को चढ़ना फरिश्तियां दी कतारां लग जांदियां ने सूरज नु फाड़ के उस अपने मशरक दे अंदर रखदे ने मेरे दोस्तों ते सूरज तलू होंदा है हर रोज सूरज गुरूम होण ते जदों जांदा है मेरे दोस्तों डुब गया एक लम्हे आते दी वे साइंसदानां नु अज तक समझ नहीं आउंदी भावें सूरज कदी इधर कदी उधर इह ते छुपदा ही नहीं और तेरी मन्ना ते गया पे नबी पाक दी गल मन्ना तेरी बात नहीं मनी जाएगी मेरे पैगंबर फरमाते ने जांदा अल्लाह को इजाजत लेंदा है क्यामत उदो आवेगी जब रब ने फरमाया आज आई तो चलना आज चढ़ने वालों नहीं आज मगर वालों चलना पड़ेगा सूरज इस वक्त मुंतजर है अपने रब के हुक्म का कि मेरा रब आखे मेरा रब फरमाए तो मैं इधरों चढ़ा या उधरों चढ़ा फरमाया जरा मेरे हुक्म दिया ताबेदारियां करने वाले नु जरा देखते सही यो सब लिल्लाह माफ समावात वल अर्ज हु वल अज़ीज़ुल हकीम रब फरमाता मेरी ते पत्ते भी सना कर दे तवज्जो कर रेत दे दरात भी रब का जिक्र करते ने आसमानी तारे रब का जिक्र करते ने शम्स तो कमर रब दी हुक्म तो बगैर नहीं चलते उल्लू फी फलती यचमाऊ रब हुक्म करता है तो इधर तारा जाता है रब हुक्म करता है सितारा इधर जाता है रब हुक्म करता है सितारा टुट पैंदा है शैतान दे पिछे लग जाता है अल्लाह फरमाते ने हर चीज मेरे हुक्म नाल चलती है सूरज अपनी ड्यूटी दे रहा है चंद अपनी ड्यूटी दे रहा है सितारे अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं शम्स यंबरीला अंतुदरी कल कमाए अल्लाह फरमा ने कभी हो ही नहीं सकया और दुनिया की सड़क मोटर में देखो कितना फराक है कितनी वसी सड़क है और इधर से उधर के रास्ते भी मुतैन नहीं पर फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है फिर भी हादसा बन जाता है अल्लाह फरमा ने और जो तू मैं सड़क मुतैन कर छड़िया ने सूरज को इधर चलाया चंद को इधर चला दिता है चंद अपनी ड्यूटी दे सूरज अपनी ड्यूटी दे अल्लाह फरमाते ने वो तो लेके अब तक ते क्यामत तक कभी भी हादसा एक्सीडेंट नहीं होएगा कुल नफी फलती यसबाऊ चल दे देखो तू सड़क पर
ਇੰਦੇ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਪੇਟਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਿਸਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਆਓ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਪੜ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਪਤਾ ਜਾਵਾ ਜਨੂਬ ਅਮਿਰ ਮਜਾਜੇ ਯਦੂਨ ਰੱਬਹੁਮ ਖੌਫਹੁਮ ਵਤਮਾ ਨਾ ਮਿਨ ਰਜ਼ਕਨਾਹੁਮ ਯੁਨਫਿਕੂਨ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰੇ ਪਿਛਾ ਸੁੱਕਦਾ ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨੂਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਦਾ ਸੁਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਸਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਰੱਬ ਜਾਗਰ ਦੀਆਂ ਤੋਫੀਕਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਰੱਬ ਤੱਜਤ ਪਰੰਦੀ ਟੋਪੀ ਕਥਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਚੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕੇਲਿਆ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਬਦਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਰਾਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰ ਅੱਲਾ ਖਾਲੀ ਅੰਗ ਫਾਗਤ ਨਾ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਿਆ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵਕਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਕੋਨੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸੱਲਾ ਬਿਛਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦਾ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦੇ ਰੱਬ ਜਾ ਗੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਫਰਮਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸੋ ਅੱਜ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੋ ਨੂੰ ਜ਼ਫਲ ਹਦੀਸ ਦੇ ਸੁਣੋ ਰਾਜੋ ਨੂੰ ਯਕਰ ਅੱਲਾ ਖਾਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਉਹ ਕੇ ਸਜਦੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਚ ਨੀਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਜਦਾ ਤੇ ਰੁਕੂ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਆਮ ਕਰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਰੋ ਰੋ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਬਿਸਤਰ ਗਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਅੰਧੇਰੇ ਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਧੀਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੱਜਦ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਰੋ ਯਕੀ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਰੱਬੇ ਮੁਸੱਜਾ ਕਰ ਲੋ ਕਿਆਮਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚ ਅਨਸਾਰੀ ਔਰ ਮਹਾਜਨ ਦੋਵਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਰਾਸਤਾ ਕੁਫਾਰ ਦਾ ਆਏਗਾ ਬਣਿਆ ਇੱਧਰ ਖਤਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਗਾਇਆ ਬਸ ਦੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸੌ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਗਏ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਡੁਲਬਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਨਸਾਰੀ ਮਾਸਜਿਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਜਰ ਅਨਸਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀਏ ਰਾਤ ਵੰਡ ਲਈਏ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਜਾਗ ਲਈ ਅਨਸਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਮਹਾਜਰ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਦੋਵਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਜਰ ਸੌ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਾਂਗਾ ਅਨਸਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਸਰ ਉਹ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਦੀਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਰੈਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਰਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਆਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਜਮਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾ ਅਲ ਹਯੂਲ ਕਯੂਮ ਲਾ ਤਾਖੁਜ਼ੁ ਸਿਨਤੁਨ ਵਲਾ ਨੌਮ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਭੋਵੀਏ ਲੋਕ ਵੀ ਲਿਆ ਰੱਬ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨੀਂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਏਗਾ ਗੁਨਾਗਾਰਾ ਵੀ ਕਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੁਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਬੋਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਬੋਲੋ ਦੋ ਵਜੇ ਬੋਲੋ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਓ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇਲਾ ਪੁਕਾਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਪੁਕਾਰ ਸੁੱਖ 'ਚ ਪੁਕਾਰ ਹਜ਼ਰ 'ਚ ਪੁਕਾਰ ਸਫਰ 'ਚ ਪੁਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਵਜੇ ਪੁਕਾਰ ਲਿਆ ਦੋ ਵਜੇ ਪੁਕਾਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਪੁਕਾਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੋ ਸਕਦਾ
मैं अल हय्युल कय्यूम रबहा, मैं मौत खाम कलमा होगा वल हयात लियब्लुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومماتي لله رب العالمين موت کی دعا دی ہے نیند کی دعا دی ہے عرش والا دیندا پیا ہن اے دو صحابہ دی ویکھ لو ایک سو گیا دوسرا جاگدا ہے او منتظر پچھلی رات دے سون دا سو تو بغیر گزارا کوئی نہیں تو بغیر گزارا نہیں ساری مخلوق سو گئے خالق نہیں سوندا اس واسطے کوئی دکھی تے کبھی بھی نہیں پکار دا اللہ کا رب کو مدعونی استجب لکم فرماندے نے او بندے مینوں تو پکار میں تیریاں سننا میں تیریاں مزدوریاں تیل والا ماں حسابی سو گیا اور دوسرا جاگدا پیا جب نصف رات ہوئی دشمن بھی آ گئے تیر مار لگ پہ انہاں تے اے بندے یا کوئی سکول ہے کوئی پتہ ہی نہیں لگدا فرمایا ایو دن بعد پر تیری نماز وچ حرکت نہیں ہونی چاہیے تیری نماز دے کپڑے ادھر ادھر کھچنے نہیں چاہیے باواں نو سلام نہ نہیں چاہیے او وال دے اگر بکھر گئے نے وال تھلے لٹکدا اے نو لٹک جا رہن دے ان دا بھی سجدہ ہوئے तेरा भी सजदा हो कपड़ा अगर है इन्हें लटका के आ कपड़ा नहीं ऐसी नमाज ना पढ़ कि इसे पिछा हस्ती ना चढ़ा के पढ़ फरमाए नहीं इन खोल के पढ़ और इस तरह रब ने पैगंबर ने करके दसिया तो फरमाया भी कमल वाले ने मेरे भाइयों नमाज का टाइम और नमाज शुरू कर दी शादी अंदर इन्हें करिए नाले नमाज पढ़ते रहेंगे रात गुजर जाएगी नाले कुरान पढ़ते रहेंगे नाले पैरेदारी होती रहेगी दुमा मेरे बात पसंद आई उन्हें सो गया एक कुरान पढ़ बैठा किंदे बेचे नमाज भी पढ़ना शुरू कर दी है मेरे दोस्तों जेड़ा कुरान वैसे पढ़े अल्लाह तेनू अजर देंदा है जे आड़ आड़ के पढ़े अल्लाह फरमाते ने तेरी जस्तजू की वजह तो तेरे आड़ आड़ के पढ़न की वजह तो तेरी तलाश करने की वजह तो तेरी कोशिश की वजह तो अल्लाह फरमाते ने जेड़ा आड़ आड़ के कुरान पढ़ता है फिर पढ़ता है उनकी जबान से नहीं चलता रहा फरमाते ने तू एक करो पढ़ मैं तेन दो हजर अता फरमा देगा दो हजर तेन अता फरमा देगा पढ़ कुरान फरमाया फिर जेड़ा कुरान नमाज हो गए वह इस तू आला वह जरा जबानी पढ़ता है आपने कुरान ही वह कुरान आला फरमाया जेड़ा बंदा जबानी पढ़ता है उनकी शान की है अल्लाह के पैगंबर के फरमाओ तो फरिश्ते की जमात में शामिल हो जाते हैं अल्लाह कुरान पढ़ने की नमाज पढ़ने की तो भी खता मेरे भाइयों जरा देखो नमाज की शक्ल में कुरान पढ़िया जा रहा है नमाज पढ़ी जा रही है पहरेदारी का फरज अदा किए जा रहे हैं जिसने क्या दुश्मन ने इधर कोई खड़ा है महसूस ही नहीं होता कि कोई ज्यौदा जागता बंदा नमाज पढ़ता पाया कोई उन्हें समझा कोई दरख का निशान है कोई पत्थर का निशान है इस तरह जान होके रब के दरबार में खड़ा है क्योंकि सलाह तो मेराज मेराज की गल है जहां रब न गल करो इधरों कि वेखेगा जिन्हें रब गल करता पाया वे वह इधरों उधरों कि चक सकता है मां बाप को भुल गया वह बेटिया भुल गया और दोनों दुनिया को भुल गया जरा रब ने इना युना जी रबा सारी तैनात गलत हो सकती आमना दे लाभ का प्रमाण गलत नहीं हो सकता ले कमरी वाले फरमाते रहे इना युना जी रबा वह बंदा रब न गल करता है अल्लाह के अंदर फरमाते ने हर वाजा के अंदर मौजूद है जरा बंदे का दिल करे मैं रब न गल करा वह नमाज पढ़नी शुरू कर दे फिर सुन लो तवज्जो ना जिंदा दिल करे तो मैं रब न गल करा इतना मुकर्रब हो जा वह नमाज पढ़े तो जिंदा दिल करे तो रब हम मेरे न गल करे वह कुरान की तलावत करे वह कुरान की तलावत करे अल्लाह की रहमत मिल जाएगी अल्लाह आपका हुक्म मनिया जा सकेगा रात पै गई तीरे बस शुरू हो गए लू लुहान सियाबी हो गया जख्मी हो गया सियाबी मेरे दोस्तों पर कुरान पे बड़ी जा रहा है नमाज पढ़ता गया दुश्मन तक तक के मार दे पैने निशाना बना बना के मार दे पैने अनुमारी सहाबी अल्लाह की करोड़ हराम तो जमात वही जमात दुनिया से आ नहीं सकती इोजी नमाज भी नहीं किसी पढ़ी इोजी वफादारी कमली वाले ना योजी जमात नहीं की है दुनिया से कोई मिसाल नहीं बन सकती दोस्तों रुहान हो गए जदों नमाज खत्म हो गई वो भी मेरे दोस्तों देखते तकते पैने कि कौन है कोई इंसान या कोई और चीज कोई समझ नहीं आती इतने तीर मारे ने फिर भी हरकत कोई नहीं आती इतने तीर अंदाजी की है और सब कुछ करते हैं कोशा लेकर फिर मुजस्मा ना इधर ना उधर होना पाया
जिसने मेरे दोस्तों कुरान खत्म हो गया ते अपने साथी नू नमाज जदों खत्म हो गई हाथ ला के उठा दिता जदों साथी ने वेख्या ते लहू लुहान साथी है कहन लगे ए की वजह कहन लगे जदों खड़ा होया सा उदों तो ला के तीर बरसदे पए ने ते हुण तक बरसदे रहने उसने आख्या मैनू क्यों नहीं तू सा बेदार किया मैं एक एक ते दो यारा मैं जनाब दे नाल हो जांदा इसे वास्ते ते पैरे धरी जी तुसा मैनू क्यों नहीं उठाया कहन लगे ठीक है तेरी मुआमलत भी हो सकती सी सब कुछ ठीक है लेकिन मैं खुदा की कसम जब नमाज पढ़ता था ते कुरान पढ़ता था मैं इतना मसरूर हो चुका था कि मेरी तवज्जो ही इधर नहीं है। अल्लाह 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 पाक सानू सही नमाज पढ़न दी ते सही मोमन बनन दी तौफीक अता फरमाए। मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चल दाए यजदानी शहीद मीडिया सर्विस मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चल दाए।